एवेलुएशन से पता चलता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई थी और एक्चुअल प्रोग्रेस कम है देयर इज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इसी तरह अवेलुएटिंग हेरिंग लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम में पीरियडिकली आफ्टर थ्री मंथ सिक्स मंथ नाइन मंथ वन ईयर इन चीज़ों को चेक किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम एक्टिविटीज एस ओ पी के मुताबिक हो रही हैं कहीं पर ही लॉस का इम्प्लाई सामना तो नहीं कर रहे नॉइस बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तो नहीं है इेशन के अंदर जो इंप्लाई की हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतल स्टैंडर्ड हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा इसको हम कहते हैं अवेलुएटिंग हियिंग लास्ट प्रोग्राम्स नेक्स्ट इसके जो मुख्त स्टेप्स हैं डी स्टूडेंट्स वो ये हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सुपरवाइजर इन्वॉलमेंट इनको एक एक लाइन में हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन परसन टू अनदर पर्सन सो ही शी कैन परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इन अटर वे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एजुकेट भी करना है एम्प्लॉइज़ को ये दोनों काम टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर इन्वॉलमेंट जब तक एम्प्लाई और सुपरवाइजर एक पेज पर नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होंगे और ये जो हैजेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं नाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगी थर्ड नाइज मैरमेंट टेक्निकली साइंटिफिकली आपने मैय करना है कि जो नाइज nice है क्या वो जो इंसान के कान हैं उनको आसानी से अवजाद कर सकते हैं या नहीं कि या उनके हीरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है टेक्निकली जब आपको इलम हो जाए कि उससे ज़्यादा है तो वो नॉइज़ को आपने रिड्यूस करना है इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने टेक्निकल लोगों को लेना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेकट्रॉनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर जिस किस्म की भी वो टेक्निकल फील्ड है उसके रिलेटेड इंजीनियरिंग के बंदे लेने हैं और मैनेजमेंट के लोग लेने हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को मैनेज करेंगे इन दोनों की मदद से हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को एवेल्यूएट और मैनेज कर सकते हैं मोनिटरिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग परमानेंट उन चीज़ों पर आई रखनी है कि कब वो नॉइस आपके हियिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता है उसको रिड्यूस करना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म की प्रॉब्लम दोबारा ना हो रेफरल्स हयरिंग प्रोटेक्शन एंड डिवाइसेस हियरिंग प्रोटेक्शन एंड डिवाइसेस कान के ऊपर आपने कुछ इस किस्म की चीज़ें यूज़ करनी है कि आपको जो नाइज nice है सम टाइम काम करना भी इंपॉर्टेंट होता है कंसनट्रेशन से करना होता है लेकिन वो जो नाइज है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म की छोटी प्रॉब्लम्स पैदा नहीं होंगी